निर्भय शिरोमणि शंकरदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। सभी महापुरुषों की जय। देखिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को हाथ जोड़कर सत्साहित करता हूँ। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, दो चार बातें ही गुरु महाराज के चरणों में बैठ के सीखी, उन्हीं के माध्यम से मैं समाज की सेवा करता हूँ। ज़्यादा जानकार नहीं मुझे, आप लोगों तो को बहुत ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें हो रही है शाम से, और आप लोग जानकार भी हैं। पहले तो हमारे समाज में हमें सत्संग में बैठने का ही नहीं पता, ना सत्संग पता सत्संग क्या है। सत्संग वाद विवाद नहीं है, सत्संग जीतने का विषय नहीं है, सत्संग हारने का विषय है, छोटा बनने का विषय है। एक वे हुए ओशो, जिन्हें भगवान राज जी कहते थे, उनकी एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी मोबाइल में, तो उसका शीर्षक है कि मैं भी कभी नास्तिक था। और वे ऐसे विद्वान आदमी हुए हैं ओशो कि दुनिया में उनके बराबर नहीं था कोई तर्क वितर्क करने वाला। अगर भारत में रहे तो भारत के ये ब्राह्मण लोग भगाते थे यहाँ से कायदे शिकायत करके, अमेरिका चले गए तो अमेरिका से भगावे थे लोग, क्योंकि उसकी बात का जवाब ही नहीं था किसी के पास, तो उनके अंदर अहंकार बढ़ता चला गया। तो उन्हें ऑटोमेटिक ही परमात्मा की गुरु महाराज की दया से ऑटोमेटिक ही उनके अंदर आवाज आई कि ओशो तू तो बहुत उल्टे रास्ते पर जा रहा है, मेरे अंदर अहंकार पनपता जा रहा है, और भक्ति मार्ग में तो अहंकार की जरूरत ही नहीं है, अहंकार तो मिटाना पड़ता है, इसमें तो अनजान बनना पड़े। जब तक उन्होंने कहने मैं जानूं कुछ समझो जानता नहीं, जब अनजान हो जाएगा जब जानना शुरू होगा उल्टी चक्री संतों की। मेरे जीवन में भी था ऐसा, मैंने कई महात्मा पीटे, इतना अहंकार दिमाग में था कि उसे प्रसन्न करके जब नहीं जवाब देता थप्पड़ मारता उसका। मैं किस्सा गांव में एक महात्मा नाथ संप्रदाय का आ गया, प्रेमनाथ जी का गुरु भाई, तो उसने शराब पी रखी, क्यों नाथों में शराब ज्यादा पीते हैं संत लोग, और आके वो बकवास करने लगा। मैंने कहा महाराज जी ये रविदास आश्रम है, यहाँ पहले शराब पी का काम नहीं। अब उसे दिखाई देता मैं सफेद कपड़े में रहूँ था, वैसे ही कह लगा तो तुझे क्या पता, अब हमसे कहाँ बर्दाश्त होती थी, हमने तो उसके ग्रवान पकड़ा, दो तीन थप्पड़ मारे उसमें, चौंतरे से नीचे गिर दिया वो बिलकट याद है आश्रम में। वो चला गया, दो थे वे, शाम के टाइम जब सत्संग शुरू होने वाला हुआ जी फिर आ ली दारू में फूल, हम उन्हें नंबर ना दे गए, और वे बार बार कह अरे भाई हमें भी नंबर दो, हम भी बोल लेंगे हम भी गाएंगे। अब जब सब देख रहे भाई शराबी आदमी ये क्या गाओगा, खैर उसने एक सत्संगी से एक तरह जबरदस्ती ले लिया। जिस टाइम उसने भाणीनाथ की वाणी लगाई तो ऐसा महसूस होता था जैसे देवता फूलों की बारिश करें उसके ऊपर, उसके कहने का ढंग समझाने का ढंग। मैंने विचार किया भाई है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ, अगर ये कीचड़ से निकल जाए तो हीरा है। तो उस संत ने हमें ज्ञान कराया, बाद में जब वाणी बोली कहला सत्यानंद जी, मैं हाँ जी महाराज जी, अक आपने हमारा स्वागत अपने सत्संग में थप्पड़ों से किया, आपने हमारा स्वागत अपने सत्संग में थप्पड़ मार के किया, और जब आप हमारे सत्संग में आओगे तो हम आपका स्वागत थप्पड़ मार के नहीं फूलों के हारों से करेंगे। मैंने कान पकड़ा, आज के बाद किसी भी संत को कुछ नहीं कहूंगा, ना कोई प्रश्न उत्तर करूंगा, क्योंकि ये तो विषय प्रश्न उत्तर का तो विषय है ही नहीं,
इसमें तो जितना भी अपने अहंकार को मिटा दोगे, जब तक योग कहेंगे ना मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञानी बन जाओ बिल्कुल, तब ज्ञान होना शुरू होता है। और जब तक रविदास जी कहते हैं कि जब हम होते तब तुम ना ही, जब हम होते तब तुम ना ही, अब तुम हो हम ना ही, सरिता गवन कियो महोदधि जल केवल जल माही। कि जब तक मेरे अंदर ये अहंकार था कि मैं कुछ जानता हूं, तो तब तक तुम्हारा पता नहीं लगा, और जब तुम्हारा पता लग गया अब मेरा पता नहीं रहा। तो ये तो विषय अहंकार बढ़ाने का विषय नहीं है, ये अहंकार को मिटाने का विषय है। इसमें ज्ञानी मत बनो, इस खिंचा ताना में ही है हम। अन्य और मिशन में जाकर देखो कहीं कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होता, बल्ला डेरा जाओ, एक ही वाणी को चाहे 10 वक्ता बोलो, कोई नहीं कहना था मैं भाई तने वाणी तो बोल ली, तू क्यों बोल रहा। फिर तो कहते हैं हमारे कानों में गुरु महाराज की वाणी आनी चाहिए, जितनी बार भी आओगी उतनी हमारा कल्याण होगा। तो हमें तो ये बातें तो व्यर्थ की बात है ये। अरे हमें बहुत संत हुए ऐसे, जिसका संत ही नहीं बहुत संत हुए, जिनका इस जीवन में कोई गुरु नहीं था, उनके पहले जन्मों की भक्ति थी वो। मुझे एक ऐसे संत के दर्शन हुए, उनका नाम था कृष्णदत्त ब्रह्मचारी, बरनावे में उनका आश्रम था। 3 बार मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला जीवन में। वे चमर जुलाई के घर का जन्म था उनका, चेचक के दाग थे उनके चेहरे पे, उनके चारों वेद कंठस्थ थे, वे मुद्रा अवस्था में लेट जाते थे सीधे, और थोड़ी देर बाद उन्हें नाड़े चलती थी और वेदों के मंत्र बोलते थे। अब बताओ उसका कौन गुरु, वो तो गुरुओं का भी गुरु है, वो सिरिंग ऋषि की आत्मा थी। उनके से उच्चारण आया, जो सिरिंग ऋषि, जो सिरिंग ऋषि थे वो आत्मा थी वो, तो उनका कौन गुरु बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे बहुत आत्माएं आई जिनका कोई गुरु नहीं बन पाया, बल्कि वही गुरु रहे जगत के। उनमें कबीर साहब भी है, रविदास जी भी हैं, ये संत भी हो सकते हैं, कोई महापुरुष हो सकता है। तो इसमें बहस का विषय कुछ नहीं है भाई, जब हमें पता नहीं, हमारे कहीं इतिहास में नहीं आया। अब रविदास जी के बारे में आप सोचो, यहाँ तो उनके माता पिता राहुल कर्मा, यूपी में रविदास जी के पिता माता का नाम राहुल कर्मा, पंजाब में कलसी देवी संतोष दास, एक प्रदेश में गुरबिनिया और मानक चंद, अब सच कौन सा। पंजाब में प्रचार है बल्ला डेरावालों का, संतोष दास कलसी देवी उनके माँ बाप, और एक प्रदेश में है गुरबिनिया और मानक चंद, यहाँ यूपी में है राहुल कर्मा, तो सच कौन सा को मानना है। तो जहाँ जो है वो वहाँ उसे सच मान रहा। तो इसलिए हमें ये बातें नहीं छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल, इन बातों में मतलब जो यू बहस का एक ध्यान रखो हमेशा, कभी भी संगत में, सत्संग में कभी भी प्रश्न मत करो किसी से। अगर उसे पूछना है उसे एकांत में ले जाकर अलग पूछो, वरना उसके अपमान होता है। सभा के अंदर नहीं प्रश्न होते, प्रश्न तो हमेशा कभी चोल करे चाहे जहाँ चार हो, गुष्ट करे जहाँ दो, और भजन करे तो एकला जहाँ हरी मिलावा हो। भजन एकले का होता है, गुष्ट केवल दो आदमी की होती है, और चर्चा वैसे होती है वो सामूहिक हो। तो इसलिए कम है कभी भी, क्योंकि संतों ने लिखा है विद्या पढ़ करता फिरे औरों का अपमान, विद्या पढ़ करता फिरे औरों का अपमान, नारायण विद्या नहीं यह अविद्या जान, अज्ञान है वो। अगर हमारी वाणी से किसी का अपमान होता हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचती हो, तो हमारा वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। तो इसलिए हमें कभी भी ये वैसे नहीं करनी चाहिए, प्रश्न उत्तर जो है इससे सत्संग का माहौल खराब होता है, अहंकार हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है, अहंकार का बढ़ना ही नाश का कारण है। तो ये ध्यान रखो कि हमारे अंदर अहंकार न बढ़ जाए। मेन चीज़ है
अहंकार को तो मिटाना और क्या है, भक्ति मार्ग में और कुछ नहीं। जिसका अहंकार मिट गया, जो छोटा बन गया, बस वही बड़ा है। तो मिलकर मैं सतगुरु महाराज की, मैं मुझे कोई पानी पिला दूँ, ज्यादा बोलने से गला सूख गया। हम सब एक ही हैं। गुरुमुखी गुरुमुखी होता है, वो किसी भी संत का शिष्य हो, गुरुमुखी गुरुमुखी है, गुरु गुरु हैं, गुरुपद अटल रहाई। कभी भी हमें किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखो। निंदा करनी तो अपनी करो, अवगुण देखने तो अपने देखो, दूसरे के नहीं। अगर अवगुण ढूंढोगे तो अवगुण ही बन जाओगे। दूसरे की अच्छाई अपनी बुराई तलाश करो तो ज्ञानी हो जाओगे। और यदि आप दूसरे की बुराई देखोगे और अपने गुणों को देखोगे तो कभी भी हम ज्ञानी होने वाले नहीं। क्योंकि यहां से संसार में सभी एक दूसरे का गुरु है, चक्र है, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के गुरु, एक दूसरे शिष्य बने हुए हैं। तो इसलिए हमें कभी भी दूसरे की बुराई मत ढूंढो। हमारे समाज में ये ऐसे पनप रहा है मामला, हर जगह का हमसे है। हमारे लोग दूसरों की निंदा करते हैं, कोई राम को गाली दे रहा, कोई कृष्ण को गाली दे रहा, कोई शिव जी गाली दे रहा। हमारा क्या अधिकार गाली देने का, जब ये हमें कुछ नहीं कह रहे उनके समर्थक, तो हम उनकी बुराई क्यों करें? उससे लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं होगा। अगर हम गाली दे रहे दूसरे को, दूसरा हमारे को गाली देगा, तो झगड़ा था यार। ऐसा खेल लो खेल जिसमें बना रहे सदा मेल, ऐसा मत खेल लो खेल जिसमें निकल जावे तेल। हमें ऐसा काम करना चाहिए। सत्संग सभी गुरुमुखी है, सभी गुरु के लाल हैं, तो हमें आपस में क्या वाद विवाद। ये तो चर्चा कर ज्ञान की करनी, तो उसे एकांत में बैठ के कर लो। पहले संत होते नहीं, बोसे लोग कहे कबीर साहब के रविदास जी की बहस हुई, कभी नहीं हुई। संतों की बहस नहीं होती, वे तो इशारे इशारों में बात कर लें तो मैं पता भी लगने का। वे लोग जो महापुरुष होते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वे अपमान करने कोशिश नहीं करते, ना बड़ा बनते। कबीर साहब रविदास जी का हाथ जोड़ खड़े हो जाते, रविदास जी उनका खड़ा, बड़े भाई ठीक। तो हमें अपने अंदर से अहंकार को मिटाने का प्रयास करो, छोटे बनो। रविदास जी कहते हैं कि हरिजन तो हारे भले, हरिजन का मतलब है भक्त। हरिजन तो हारे भले जितन दे संसार, अर हारा तो हर से मिले, अर जीता यम के द्वार। अगर नरक भोगना है तो खूब जीतने की कोशिश करो, और सतगुरु महाराज को जानना है तो हारे हारे हार जाओ। ऊंचे पानी ना ठिके नीचे ही ठहराए, और नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। तो इसलिए हमें कभी भी ये बातें नहीं रख करनी चाहिए। सत्संग के बीच में बातें नहीं होकर दी, सत्संग में तो वो समझदार का काम है, वो पानी ठीक बोल रहा या नहीं बोल रहा वो उसे टोकेगा, भाई ये पानी यहाँ नहीं चल रही, ईशा की पानी बोल लो। पहले तो तुम कितने ऊपर पानी बोल लो, कुछ मिलने वाला है नहीं, गा गिता रह गिता। जब हमारे आचरण में नहीं आना ये चीज, तो हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। यो समय जो होता है नहीं, हमारे गुरुजी थे पूज्यपाद मंगलान जी, उनकी रहनी बहुत कठिन थी। वे कभी पूरी रात सत्संग नहीं करते, सत्संग 10 बजे तक, 8 बजे से 2 घंटे बस। उसके बाद कहते भाई जाओ, टाइम हो गया 10 बज गए, क्योंकि उनकी क्रिया होती थी। वे रात के 12 बजे जंगल में चले जाते थे,
अपना आसन छोड़ गए और 4-5-6 बजे तक वे वहाँ साधना करके और जब आते थे। अब जो टाइम साधना करने का जो हम बात कर रहे नहीं है, अब तो एकांत में बैठ के भजन करने का समय है, परंतु हम अपना समय इन बातों में ही गंवा रहे हैं। ये तो चलने के लिए तो एक शब्द ही बहुत है, एक शब्द भी जीवन में पूरा नहीं कर सकते, लाख प्रयास कर लो। रविदास जी का जीवन मन के ऊपर था, हमारे गुरु जी थे मंगलानंद जी, उनका जीवन सत्य के ऊपर था, सत्य के ऊपर, ना तो झूठ बोलना देते वे और ना बोलते, कभी वादा भी नहीं करते वे। अगर आपने कह दिया जी गुरु जी हमारे घर आ जाइए, भाई मोह का देख लेंगे, वादा नहीं करते, क्योंकि वह टाइम पर ना पहुंचे तो झूठ हो गया। तो इसलिए जीवन में तो एक शब्द भी ले लो ना, कोई भी शब्द छांट लो, और जो नाम तुम्हें पसंद हो वो कोई सा भी शब्द हो उसी में रम जाओ, भक्ति शुरू। अब हम रमते तो उसमें है नहीं कुछ, नहीं तो क्या फायदा। कोई भी शब्द ले लीजिए, अहिंसा है, सत्य है, अस्त है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, दुनिया भर के शब्द हैं। उस पर अपने जीवन को चला दीजिए तो कुछ हासिल हो जाएगा, वरना कुछ भी होने वाला नहीं है। महापुरुषों ने चुप रहे वे, ज्यादा बोलने जरूरत नहीं उसमें, जितने चुप रहोगे कम बोलोगे उतना ही तुम्हें लाभ होगा। हम उल्टा करें काम, हम बोल रहे हैं ज्यादा, चुप कम रहे, सुने कम। दू ना सुन आधा कहो, दू ना सुन आधा कहो, सिखो प्रकृति विवेक, कान दे दो सुनन को और जिब्बा देनी एक। परमात्मा ने जीभ एक दी है बोलने के लिए और कान दो दिए सुनने के लिए, तो हमें कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। अब हम सुनते नहीं, हम इस महात्मा को तो नंबर नहीं, महात्मा क्या करे बेचारे, तो सोचते भाई जब थरा नंबर तो यहाँ कुछ बोलने का आना नहीं, तो हम क्यों क्या करोगे, सीख साख के भाई यही गा बजा लेंगे। वरना अपने जो मैन संत हमें उनकी बात सुनो और उसे थोड़ी बहुत जीवन में उतारो तो कुछ लाभ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको एक रविदास जी की वाणी सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भरमरा मधुमिछन्ती वर्णमिछन्ती मक्षिकः, सज्जनः गुणमिछन्ती दोषमिछन्ती पामरः। भरमरा मधुमिछन्ती, जो महाड़ की मक्खी होती है वो फूल में से रस ग्रहण करती है, और जो गंदी नाले की मक्खी हो वो फूल बन बैठती है, वो गंदगी में जाकर बैठ के वहाँ से गंदगी ग्रहण करती है। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वे हर जगह से, चाहे वहाँ कितनी गंदगी है, उस गंदगी में से भी वे अच्छी बात ग्रहण करते हैं, क्योंकि हर इंसान ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक और ना होगा कि जो सारा ज्ञान उसके पास हो। दोनों गुण भी होते हैं, अवगुण होते हैं, सबके अंदर गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे, किसी के पास गुण ज्यादा तो अवगुण कम और किसी के पास अवगुण ज्यादा तो गुण कम होते हैं सबके पास। भरमरा मधुमिछन्ति वर्णमिछन्ति मक्षिकः, सज्जनाः गुणमिछन्ति, जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं, और जो पामर वृत्ति के लोग होते हैं वे दूसरे के अवगुणों को ग्रहण करते हैं, उसमें कमी ढूंढते हैं। तो हमें किसी की कमी नहीं देखनी, हमें कमी देखनी है तो अपनी ही देखनी है, हमारे से ज़्यादा बुरा दुनिया में कोई नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरे तो हम ही हैं, अपनी कमी ढूंढ कर बाहर निकाल दो, अवगुण चले जाएंगे, गुण रह जाएंगे। तो मिलकर बोले सतगुरु महाराज की, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, वीरथा जात विवेके, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हरि भक्ति कहु की लेखे। न विचारियो राजा राम को रसु, जी रस अनरस बिसर जाई, जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस जाई। इंद्री सबल निवल विवेक बुद्ध, परमारथ प्रवेश नाही, कहियता कहियतान अचरतयान, समझ ने परे परमैया। कहे रविदास उदास भयो मन, पर हर कोप करो जीव दैया। रविदास जी महाराज उपदेश देते हैं समझ संसार के प्राणियों को, ये मनुष्य का जीवन परमात्मा ने हमें पता नहीं हमारे कितने पुण्य कर्मों के कारण हमें प्रदान कर दिया। अब हम इसको अज्ञान के कारण अविद्या में फंसकर बेकार गंवा रहे हैं। भले ही हम कितना धन इकट्ठा कर लें, इंद्र के समान देवलोक के राजा भी क्यों ना हो जाए, यदि हमने इस जीवन में अपने अपनी पहचान ना करी, उस परम शक्ति को ना जाना, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ने विचारियो राजा राम को रसु, यदि हमने परमात्मा के नाम के रस को जीवन में ना पिया, हम जान बूझ के पागल हो रहे हैं। जान अजान भयो हम बावर, सोच असोच दिवस जाई। हम जान बूझ कर पागल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते नहीं, और जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। सोचना चाहिए आत्मा के बारे में, हम सोचते हैं शरीर के बारे में। 24 के 24 घंटे शरीर के लालन पालन के लिए हम लगे हुए हैं। जान अजान भयो हम बावर, सोच असोच दिवस जाई। हमारा समय बीतता चला जा रहा है, जिसके कारण हमारी इंद्रिय की शक्ति प्रबल होती जा रही है और विवेक शक्ति कमजोर हो रही है। और जब विवेक हमारा कमजोर हो गया तो परमार्थ में हमारी बुद्धि हमारा मन नहीं लगेगा। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहियतान अचरतान, समझने पर परे मैया। हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, हम भूल में हैं, भ्रम है। जब तक देखो ना अपनी नैनी, तब तक मानू ना गुरु की बैनी। जितनी बाणी बनी हुई है ना, ये उन महापुरुषों की कथी भी नहीं है, ये और विद्वानों की बनाई हुई बाणी है। थोड़ा थोड़ा हिंट्स ले लिया उन्होंने महापुरुषों के सुन के, और वो उन कथन कर दी गई। कि महापुरुषों को कहाँ इतना टाइम, वे लिखने बैठेंगे, वहां तो समय नहीं है, उन्हें तो एक एक मिनट उनके लिए बड़े अनमोल है। तो मिलकर बोले सतगुरु महाराज की, देखिए एक रविदास जी महाराज की पाणी है कि हम कैसे भ्रम में बैठे, सच क्या है और झूठ क्या है। माधो
सुख सोता सपने भया भिकारी हे निरपति एक से जे सुख सोया सपने हो भया भिकारी अरे इच्छित राज बहुत दुख पायो सो गति भई जी हमारी हे माधो का कही सार भरा पड़ा है। निरपति एक सेज सुख सोया सपनहु भया भिकारी इच्छित राज बहुत दुख पायो सोगति भई हमारी। यहां पर रविदास जी ने राजा जनक का और अष्टावक्र का प्रमाण दिया है। राजा जनक अपने महल में सो रहे हैं, सोते सोते सपना आया और सपने में वे भिखारी हो गए। उनके राजभक्त जी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, राज छिन गया और वे भिखारी बनकर घर घर मांगते फिर रहे हैं। गर्मी के मौसम में नंगे पैर और माताएं बहने अब शब्द बोल रही हैं। कुछ देर के बाद फिर आंख खुल गई तो देखते क्या है कि तू तो महल में है और राजा है। तो उनके मन में प्रश्न पैदा हो गया कि वास्तव में मैं राजा हूं या भिखारी हूं। सारात पे नींद नहीं आई, सुबह दरबार लगाया, मनादी करादी की हमारे शहर के सभी लोग नर नारी सब दरबार में इकट्ठे हो जाए। सब दरबार में इकट्ठे हो गए, सबने कहा राजन हमें किस लिए बुलाया, हमारा लक्ष्य सेवा बताओ। तो राजा जनक ने अब प्रसन्न को घुमा दिया जरा सा। उन्होंने कहा भाई मैं एक बात पूछनी चाहूं, मैं सारा रात से परेशान हूं। सबने कहा जी बताओ। भाई मैं ये पूछना चाहूं कि यो सच है या वो सच है। चलाओ रखो मामूली, चलो यो सच है या वो सच है। सब कह ले यो कोई प्रश्न है कि यो सच है या वो सच है। सब चुप। कह ले जी महाराज हमारे तो बस का नहीं, हमें समझ नहीं आया तुमने क्या कह दिया।
अचानक अष्टावक्र जी आ गए। देखते क्या है कि दरबार में तो बड़ी भीड़ भाड़ है। अष्टावक्र ने कहा, अरे राजन, ये कैसी मीटिंग कर रखी आज? राजनक ने कहा, स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे अटकावा है और वो मुझे परेशान कर रहा है। बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं उन सबसे कि ये सच है या वो सच है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, ना यो सच और ना वो सच। और प्रश्न खड़ा हो गया। कह लगे, जी ये तो और ज्यादा बात बढ़ गई, यो सच ना वो सच। तो फिर प्रभु सच क्या है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, अगर सच को जानना है तो पहले गुरुमुखी बनना पड़ेगा। किसी को गुरु धारण कर और जैसे गुरु कहे वैसे कर तो पता लग जाएगा सच क्या है। राजनक कह लेगा, भाई जिसने इतना जवाब दे दिया, आगे जवाब ये दे सके और तो कोई आया नहीं ऐसा। कह लेगे तो राजनक, गुरु जी, बस मैं तो आपको ही गुरु धारण करता हूं। अष्टावक्र ने कहा, सोच समझ ले। गुरु जी, बस सोच समझ लिया। कह लेगे, गुरु को दक्षिणा देनी पड़े। गुरु जी, दक्षिणा में क्या लोगे? गुरु को तन मन धन तीनों सौंपना करे। तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे, ब्रह्मानंद भव सागर दुस्तर सो सहजे तर जावे। अष्टावक्र ने कहा, पर राजन, चलो मैं तुम पर छूट कर रहा हूं, तू इन तीनों में से मुझे कोई सी एक दे दे। दक्षिणा में दो की छूट है तुझे। अब राजना की फिर फंस गए। और धन ये राज्य प्रजा का है, इसमें भी आपका कोई अधिकार नहीं। अब आपके पास रह गया मन, यो मन है, इसे किसी को दे दो। तो मैं सलाह दूंगी कि इस मन को जाके गुरु को सौंप दो। तो तुम जो है मेरा भी आनंद लेते रहोगे और राज का भी आनंद लेते रहोगे, सारा काम चलता रहेगा बराबर। राजा ने कहा, भाई बात तो रानी ने बहुत अच्छी सलाह दी। अब दरबार में आए वापस, गुरुदेव कह लेगा, कहो राजन, क्या सलाह मशवरा करा? जनक ने कहा, गुरुजी, ये तन तो रानी का,